टू रोटेट द डोर अबाउट दिस हिंज विच इज एट दिस एंड हिंज के अबाउट जब आप डोर को घुमाते हैं तो जो फोर्स का एक्शन है वो कहलाता है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को आप कहते हो मूमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स की मजेदार बात यह है कि जितनी दूर हिंज से आप फोर्स लगाओगे उतना आराम से आप इस डोर को हिंच के अबाउट टर्न कर सकते हो बट एज यू मूव योर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन नाउ हेयर आई एम यूजिंग अ वर्ड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इफ आई एम अप्लाइंग फोर्स एट दिस पॉइंट देन दिस इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ माय फोर्स इफ आई अप्लाई माय फोर्स क्लोज टू द हिंज I need more force to rotate this door. That is why, whenever handle is placed, it is placed as far as possible from the hinge. ठीक है? तो जो turning effect of force है, वो दो factors पर depend करता है. एक, कितना force हम लगा रहे हैं, और दूसरा, कितनी दूर इसको hinge जिसे बोल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स वी कॉल इट पाइवोटेड पॉइंट तो पाइवोटेड पॉइंट से कितनी दूर इसको लगा रहे हैं दैट डिस्टेंस और कितना फोर्स लगा रहे हैं उस फोर्स पर यह टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स डिपेंड करता है हाउ आई एम गोइंग टू क्लोज द डोर फ्रॉम द हिंच दिस डिस्टेंस ऑफ दी हैंडल कॉल्ड पर पेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम द पाइवोटेड पॉइंट किसी भी फोर्स से जब हम किसी ऑब्जेक्ट को घुमाते हैं तो उसे हम कहते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स आप इसको बीच से पकड़िए तो पाइवोटेड पॉइंट ये हो गया और अब जब आप इसे घुमाएंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ योर फोर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ये डिस्टेंस ये इतनी ली जाएगी लेकिन जब आप पाइवोटेड पॉइंट यहां कर देंगे और इस एंड पर फोर्स लगाएंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम पाइवोटेड पॉइंट ये ली जाएगी क्लियर हो रहा है चलिए वी अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे